आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एक्टिव न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। बात करते हैं मध्य प्रदेश के ताजा मौसम की जानकारी के बारे में। तो मध्य प्रदेश में लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। पड़ोसी राज्यों से आ रही गर्म हवाओं से प्रदेश का पारा लगातार चढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पूरे मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कई हिस्सों में सीवियर लू चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि पूरे प्रदेश में गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन तक गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। सूरज के तीखे तेवर से पूरा प्रदेश अभी तपेगा और मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और राजगढ़ में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में छतरपुर, राजगढ़, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर और शाजापुर में सीवियर लू की संभावना है और इसी प्रकार रीवा, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों के साथ ही भोपाल, धार, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और जबलपुर जिलों में लू चलने की आशंका है। ये था आपका अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।